हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, आज संध्या के किचन में रिक्वेस्ट की पकौड़ी बनने जा रहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आज देखिए, मैं रिक्वेस्ट के पत्ते को धोने जा रही हूँ। ये देखिए देखिए, इस पर बच्चा बिल्कुल पानी नहीं रह जाता है, इस पर पानी तुरंत गिर जाता है, इस पर पानी रुकता नहीं है। आपको जितना बनाना है उतना लहसुन लीजिए, उतने मर्चा डालिए। जैसे कि हम लोग का छोटा परिवार है, हम लोग थोड़ा सा बनाने जा रहे हैं, बस धुल देंगे। धुल कर देखिए इसमें डाल लेंगे। ये जीरा है, इसमें जीरा डाल देंगे। खलबट्टे में खून देंगे इसको, चम्मच से निकाल कर इसको पानी से इसको खलबट्टे को धुल लेंगे। इसी में डालकर थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, इसमें थोड़ी सी देखिए नमक डाल रहे हैं पहले। देखिए थोड़ी सी मसाले अब डालेंगे इसमें, रहता है तो इसमें खट्टा में नींबू थोड़े से हम डाल देंगे। जितना आपको बनाना हो उतना अनुसार से नींबू डालिएगा। यार देखिए, अब इसको हम इस तरह फेंट लेंगे। लपेटने के पहले हम क्या करेंगे, अब अपने गैस चूल्हे को देखिए इस तरह धरा देंगे। इसमें हम पानी डालेंगे, इसमें हम चलनी को डाल देंगे, पानी में ढक देंगे। ढक कर देखिए दूसरे टाइम, क्योंकि सुबह के टाइम 7 बज गया है। मैं नाश्ते बना रही हूँ बच्चे के लिए, चाय प्याज में रिकोच की पकौड़ी देने जा रही हूँ। इस पे देखिए अब लोढ़ा बनाने जा रहे हैं रिकोच का हम। इस तरह बेसन देखिए जैसे लगाएंगे, देखिए एक पत्ता है आपका सीधे रहेगा, एक पत्ता उल्टे रहेगा, बिछाया जाएगा इस पे। देखिए एक पत्ता है आपका उल्टे रहेगा, फिर हम ऐसे ऐसे बिछा के सारे पत्ते बिछा कर उसको उबाल लेंगे। देखिए पानी गर्म हो गया मेरा, अब मैं इसको लपेट के उसे में रखने जा रही हूँ। देखिए इस तरह ऐसे मोड़ेंगे हम इधर से एक कोना, फिर बारी देखिए एक कोना इधर से मोड़ेंगे, फिर देखिए ऐसे करके हम बना लेंगे। फिर यहाँ आगे बेसन लगाएंगे हम, बेसन लगाकर इसको देखिए इस टाइप में इसको मोड़ देंगे हम। इसको मोड़कर ये मेरा देखिए लोढ़ा तैयार हो गया रिकोच का। देखिए ऐसे तैयार हो गया, देखिए कितने अच्छे लग रहा है। अब देखिए इस पर हम बेसन लगा देंगे, जाके उधरे मती फिर उभर जाता है भी पत्ता है इसका। अब देखिए इसको हम गर्म पानी है, ये देखिए गर्म पानी में देखिए इस तरह रख दिए हैं, इसको ढक दिए हैं। अब देखिए 2 मिनट में हमारा लोढ़ा तैयार हो जाएगा। देखिए मेरा जैसे कि रिकोच के उबला हो गया है, देखिए उबला हो गया है। अब इसको मैं निकालूंगी थाली में, इस तरह निकाल लूंगी। देखिए देखिए तिल है, जैसे कि देख सकते हैं तिल है सफ़ेद। इसकी चटनी पकौड़ी के साथ में बहुत अच्छे लगता है, स्वादिष्ट लगता है। अब देखिए इस चटनी को हम पलटी करेंगे इसमें, देखिए चटनी हमारा पिसा गया है। हम तेल डालेंगे, तेल डालकर इसको तेल को गर्म हो जाएगा हमारा तेल, इस तरह हम इसको काट देंगे। मेरा तेल गर्म होना चाहिए, देखिए इसको मैं इस तरह लपेट लेंगे। लपेट के इस पकौड़ी को अब हम छानेंगे। देखिए पलटी करके देखिए पूरे लाल हो गया है, तब इसको पलटी करना चाहिए। जब तक लाल ना हो तब तक पलटी मत करिए, बेसन कच्चा रह जाएगा। देखिए फिर ऐसे मोड़ के इसको इस तरह मोड़ के फिर इस तरह मोड़ देंगे। ये पान के बीड़ा जैसे बनाकर इसको इसमें डाल देंगे, डालकर इसको हम फिर देखिए फिर ऐसे करेंगे। ऐसे ऐसे सारे पत्ते को हम कर देंगे मोड़ मोड़ के। ये बच्चों के लिए बना रहे हैं, बच्चों के लिए। इसमें बनाने के लिए देखिए आप, जैसे कि चावल का आटा जरूर डालें आप। चावल के आटा डालने से पकौड़ी, कोई भी पकौड़ी आप बनाइए, चावल का आटा डालेंगे तो चावल के आटा से कुरकुर होता है पकौड़ी। पकौड़ी खाने में भी टेस्टी रहता है। उस तरह भी देखिए, अब देखिए इसको निकाल देंगे सारे को। देखिए हो गया मेरा, देखिए ऐसे ऐसे पूरा बेसन में पोत लीजिए इसको। अब पोत के बेसन में फिर इसको आप छान दीजिए। देखिए इस तरह बेसन में पोत के आप अच्छे से छानिए, सारे ऐसे छान कर आप जितना आप बनाने चाह रहे हैं। पकौड़ी बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। रिश्तेदार भी आते हैं तभी भी ऐसे आप बना के खिला सकते हैं उसको। ये चाय पे ज़्यादा अच्छा लगता है खाने पे, चाय के साथ इसको ज़रूर आप इस्तेमाल करिए। इसको पलटी करके देखिए
अलग अलग से ऐसे छूट जाएगा ये, डालने पे चिपक जाता है जैसे। अब देखिए पूरे अलग अलग से छूट जाएगा ये, इसको देखिए। इसको मूँगफली की भी चटनी, आप जैसे मूँगफली को भूज कर उसका भी चटनी के साथ इसको खा सकती हैं, तिल नहीं रहता है तो। मूँगफली की चटनी में भी लहसुन मिर्चा सब कुछ पड़ डालकर उसको पीस कर उसके साथ भी आप लोग खा सकते हैं इसको। इसके साथ मेरा चटनी है, ये देखिए चटनी है मेरा, इसके साथ में हम दिए हैं जिसको मन करेगा मिर्चा। देखिए अब मिर्चा को मैं भूजने जा रही हूँ। सारे मिर्चे को हम बेसन में ऐसे फेंट कर, देखिए नींबू गार देंगे थोड़ी सा इस पर हम, नींबू गार कर इस पर। देखिए मैं खाने वाला नमक इस पर छिड़क रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कीजिए, नहीं किए हो तो ढेर सारे लाइक कीजिए हमारे चैनल को। फिर दूसरे वीडियो के साथ कल हम मिलेंगे, कल आपको बेसन की सब्जी बनाएंगे, उसके बारे में बताएंगे आपको हम कैसे बेसन की सब्जी बनाया जाता है।